एक ऐसा देश जहाँ के 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज भी गुफाओं जैसे घरों में रहते हैं, या फिर एक ऐसा देश जहाँ के वासी अपनी भाषा में अपने देश को चक्रव्यूह कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक अजब गजब पड़ोसी देश चीन के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे रोचक तथ्यों को जिनसे आप अनजान हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 91% बौद्ध अनुयायी हैं, जिनकी संख्या 1.3 अरब के लगभग है, जो विश्व के दूसरे बड़े आबादी वाले देश भारत या विश्व के समस्त हिंदुओं से भी अधिक है। और यहाँ की कुल जनसंख्या 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 1.43 अरब के लगभग है। चीन की आर्मी सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग और आक्रामक नेचर के लिए दुनिया भर में चर्चित है। ट्रेनिंग के दौरान नए सोल्जर के कॉलर में पिन लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनकी गर्दन सीधी रहे और वह अनुशासित रहे। कुत्ते के साथ साथ चीन के आर्मी में बंदर, हंस और कबूतरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। चाइना के लोग कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ हर दिन लगभग 10,000 बिल्लियाँ खा ली जाती है। चाइना काफ़ी बड़ा देश है, इसलिए वहाँ 5 अलग अलग टाइम जोन हैं। फिर भी वहाँ आधिकारिक तौर पर सिर्फ राजधानी बीजिंग के टाइम को ही पूरे चाइना में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान भले ही चाइना को अपना करीबी मित्र मानता हो, लेकिन चीन में मुस्लिमों पर ज़बरदस्त पाबंदी है। पिछले वर्ष BBC ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया था कि चाइना ने अपनी पश्चिमी क्षेत्र सिंजियांग में मुस्लिमों के लिए नज़रबंद बस्ती बना रखी है, जहां पर उन मुसलमानों को ना ही खुलकर नमाज पढ़ने की आज़ादी है और ना ही लाउड स्पीकर लगाने की। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अलावा यहां का पॉपुलेशन भी स्पेस से देखा जा सकता है। 90% चीन के पानी में जहरीले तत्व होते हैं। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा नजर आए, तो यह आप यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है, क्योंकि चीन ने इस प्रजाति को किराए पर ले रखा है। चीन के संघाई शहर में आप रेड कलर की कार नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा करना वहां पर गैर कानूनी है। 2010 में चाइना के संघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो कि 12 दिन तक रहा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चक्रव्यूह कहते हैं। इसी कारण भारत तथा फारस के प्राचीन निवासियों ने इस देश का नाम अपने यहाँ चीन रख लिया था। चीन देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भी मिलता है। चीन में आज भी लगभग 3 करोड़ लोग अंडरग्राउंड गुफाओं में रहते हैं। करीब 18,000 साल पहले येलो रिवर के पहाड़ों और ज़मीनों में नेचुरल गुफाएं बन गई थी, जिनको आज के समय में गुफाओं को होटल और रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। चाइना में गूगल का कोई भी प्रोडक्ट और वेबसाइट नहीं चलती, जैसे कि गूगल का सर्च इंजन, जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप जैसे और भी बहुत कुछ। इस देश में अपने नागरिकों को चीनी भाषा में ही चीन की वेबसाइटें चलाने की इजाज़त दे रखी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।